नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा तिवारी, संवाददाता के मास न्यूज। हम उपस्थित हैं सगड़ी विधानसभा के आजमगढ़ आदरणीय वंदना सिंह मैम के आवास पर। आज का दिन बहुत ही शुभ है, मैम जी का जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे के मास न्यूज की तरफ से। मैम, आप पूर्व विधायक भी रही हैं सगड़ी विधानसभा से, और मैम आप जनता के लोगों को शुभकामना क्या होली के पावन पर्व पर देना चाहेंगी? सबसे पहले तो आप लोगों का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, और आजमगढ़ की जनता को होली पे विशेष शुभकामनाएं और बधाई देते हुए, और खास करके अपने सगड़ी विधानसभा के हमारी जो जनता है उनको होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज का दिन थोड़ा और अलग है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है, तो आपने देखा होगा कि सारे लोग यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं। तो मेरा विशेष उन लोगों के ऊपर आभार भी है और बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि जो उन लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिला करता है। ओके मैम, धन्यवाद। मैम, संसदीय चुनाव होने वाला आगामी में, तो आप चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगी, आपका क्या मत है? क्योंकि संसदीय चुनाव होने वाला है, हम लोग सदर लोकसभा सीट में आते हैं और प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। यहाँ से प्रत्याशी सांसद जी दिनेश लाल निरहू लड़ रहे हैं चुनाव, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छे वोटों से यहाँ से जिताएंगे। यहाँ से ही नहीं, पूरी लोकसभा से हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे, और वो जीतेंगे भी, इसमें कोई संशय नहीं है जी। तो मैम, उन्होंने क्या क्या विकास किया? देखिए, उन्होंने क्या किया, डेढ़ साल का उनको टाइम मिला, उस डेढ़ साल में अगर वो जनता के बीच बने रहे और लोगों से रूबरू होते रहे, यही बहुत बड़ी चीज है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप लोगों ने देखा होगा कि विकास, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे आजमगढ़ में, और उन्होंने जो सुहेलदेव विश्वविद्यालय उसका उद्घाटन किया, उसके बाद एयरपोर्ट आजमगढ़ में, तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि हाँ एयरपोर्ट भी बन सकता है, लेकिन एयरपोर्ट का भी उन्होंने यहाँ से उद्घाटन किया। और उनकी एक सोच थी कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, उस सोच को उन लोगों ने साकार किया है, तो इसके लिए तो विशेष बधाई है। और काम आप देख रहे होंगे, जब आप किसी भी रोड से निकलिए, किसी भी रास्ते से निकलिए, तो काम ही काम आपको दिखते हैं। मैम, आप महिला के रूप में एक मिसाल हैं और आप आजमगढ़ से हैं, तो मैम आप आजमगढ़ की महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी? देखिए, आजमगढ़ की महिलाओं के लिए मेरी बहुत संवेदनाएं रहती हैं, और उनके लिए मुझे करने का भी एक अलग से लगता है कि हाँ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। और आज की भारतीय जनता पार्टी में आप देख रही होंगी महिलाएं वैसे ही खुश हैं। किसी महिला के सामने अगर आप एक बाइट लेने के लिए कुछ पूछ दें कि हाँ सरकार में क्या हो रहा है, तो महिलाएं खुद ब खुद बोलने लगती हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमारी बेटियों की सुरक्षा हो रही है, हमारी सुरक्षा हो रही है, नहीं तो कहीं गली मोहल्ले बाजार वो जाती थी, कहीं चेन खींच ली जाती थी, कहीं पर्स खींच लिया जाता था, आज तो इन सब चीज़ों से वो आज़ाद हैं। और अगर छोटा मोटा वो अपने हिसाब से रोजगार करना चाह रही हैं, तो उसके लिए हमारी सरकार उनके लिए एक स्वरोजगार के तहत एक अच्छी इनकम उनको दे रही है, पैसा दे रही है, और उससे वो अपना रोजगार कर रही हैं, और उसका शायद जो भी थोड़ा बहुत उनको उसका ब्याज देना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है ना हमारे ग्रामीण समाज की महिलाओं के लिए। और वो लोग कर भी रही हैं इस दिशा में, समूह के माध्यम से जो हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो जो भी छोटे मोटे काम आते हैं समूह के माध्यम से, वो हमारी महिलाएं कर रही हैं। समूह सखियाँ हैं, बैंक सखियाँ हैं, तो तमाम इस तरह की योजनाएं आ रही हैं और हमारी महिलाएं उसको आगे बढ़ करके उसका लाभ भी ले रही हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।